गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और इसमें सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी बनाना है और ये मान सारणी बिल्कुल हम ट्रिक और लॉजिक का प्रयोग करके बताएंगे। ये मान सारणी को बुक में बाई प्रोसेस करके भी दिखाया है, लेकिन हम इसमें केवल ट्रिक और लॉजिक के द्वारा इस मान सारणी को पूरा करेंगे। इसमें केवल कंसेप्ट भी बताया जाएगा कैसे हुआ, लॉजिक बताया जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें करने की कोशिश करेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। तो याद अगर होगा तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। मान सारणी दिया हुआ है कोण ए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सेक ए कॉस सेक ए दिया हुआ है, या साइन 0° का मान क्या होगा, साइन 30° का मान क्या होगा, साइन 45° का मान क्या होगा, साइन 60° का मान क्या होगा, साइन 90° का मान क्या होगा, ये जानना है। इसी प्रकार से कॉस का कॉस के लिए 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, इसी प्रकार से टैन कॉट सेक कॉस सेक सभी का मान हमको आज ट्रिक के और लॉजिक का प्रयोग करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 में इसका प्रयोग ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको आज हम लोग मान सारणी को सही तरीका से हम लोग समझेंगे लॉजिक का ट्रिक का प्रयोग करके। देखिए सबसे पहले हम देखो 0°, 30°, 45°, 60° और 90° साइन एक पर विचार करते हैं। पहले तो हम ऐसा करते हैं, रूट में 0/2 ले लेते हैं, 2 सब में लेना है और सीरियली करना है। फिर देखिए रूट 0 हो गया, 1/2 कर देंगे 2, फिर करिए रूट टू क्या करना है, रूट टू क्यों, 0 होगा 1 हो गया 2 होगा, 2 नीचे में सब में लिखना, डिवाइड सब में करना है। फिर देखिए √3/2 करना ही करना है और √4/2 ये जो मान दिया गया है इसको ये एक बार निकालना होगा। क्या निकालना होगा देखिए, इसको बराबर में क्या होगा, 0 रूट 0 तो 0 ही होगा, 0/2 यानी 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, ये मान हुआ आपका साइन 0 0। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, रूट वन है तो 1 × 1 रूट में हो सकता है, एक 1 आगे निकलेगा बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। इसको देखा जाए कि √2/2 है, ये इसको देखने की बात होती है कि √2/2 है। इसको समझना है कि √2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं और 2 को हम 2 बार √2 × √2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि √2 में √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो कट गई तो कितना निकला, 1/√2 यानी हमको ये निकला 1/√2, ठीक है। और ये ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, 1/√2 हो गया। अब इसको ये √3/2 वैसे ही ठीक रहेगा, ठीक ही है। और ये जो है 2 देखिए यहाँ पर √4 है, फिर देखिए इसको √4 है और 2 है तो √4 से 2 निकलेगा, 2 कटेगा, एक बटे कटेगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि यहां पर निकला 1। तो मान फोकस क्या है, साइन 0 0, साइन 30° 1/2, साइन 45° 1/√2, साइन 60° √3/2 और साइन 90° 1। अब देखिए यहां पर एरो के द्वारा दिखाया गया है, एरो का दिखाने का मतलब किसी और इसमें कोई रिलेशन है क्या, जब साइन का मान हम निकाल लेते हैं तो कॉस का मान इधर से लिखते हुए चले आना है। तो कॉस ए बराबर क्या, कॉस 0° इधर से लिखे 1, उसके बाद होता है √3/2, उसके बाद हो जाएगा 1/√2, उसके बाद हो जाएगा 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। क्या किया गया इधर से हम इधर से लिख लिए, ऐसे स्टार्ट करेंगे।
उलट के इधर से स्टार्ट कर दी, तो साइन कॉस हो गया। अब देखिए साइन कॉस हो गया, दो माउंट तो मेरा निकल गया। अब देखिए आगे का, आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए तो इसके पहले वाले वीडियो पे हम बताए हैं कि टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बताए थे। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब देखिए टैन थीटा है, थीटा या एक कोण है, थीटा कहे ए कहे बी कहे अल्फा कहे बीटा कहे गामा कहे कुछ भी, कोण के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक कोण से दिया गया है, तो टैन ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस, माने साइन ए में कॉस ए से भाग देना। तो करिए अब साइन ए में कॉस ए से भाग दे दीजिए, जीरो में एक से भाग देंगे तो जीरो ही होगा। फिर देखिए वन बाय टू में साइन है, वन बाय टू में रूट थ्री बाई टू से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, ये टू कट जाएगा तो वन बटा रूट थ्री हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर वन बाई रूट टू है, वन बाई रूट टू तो एक बटा कट जाएगा दोनों एक हो जाएगा जी। फिर देखो इसमें देखिए रूट थ्री तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया तो रूट थ्री बाई वन होगा, तो रूट थ्री बाई वन में तो रूट थ्री ही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वन बटा जीरो होगा, वन बाई जीरो साइन थीटा बटे कॉस को मान लेंगे, वन बटा जीरो बड़ा आसान है, साइन कॉस ऊपर नीचे है ही, तो वन बटे जीरो से कोई संख्या को भाग देते हैं, जीरो कोई संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो वह अनंत होता है, इन्फिनिटी, जिसको परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से ये मान भी हो गया टेन। अब देखिए फिर एरो के द्वारा दिखाया गया, यहाँ पर एरो के द्वारा दिखाया गया है कि टेन का जो मान यहाँ निकला तो इधर से यहाँ से स्टार्ट करते ब्लड देने फिर तो कॉट जीरो डिग्री का क्या होगा, इन्फिनिटी मन अनंत अपरिभाषित, उसके बाद लिखेंगे रूट थ्री, उसके बाद लिखेंगे वन, उसके बाद लिखेंगे वन बाई रूट थ्री और उसके बाद क्या लिखेंगे जीरो। तो यहां भी हो गया कैसे, फिर एक बार मिला लीजिए, इधर से करते हैं यहां से लिखते हैं अनंत रूट थ्री उसके बाद है वन, वन बाई रूट थ्री जीरो ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखना है कि एक फॉर्मूला से हम लोग सीखे, इस फॉर्मूला के द्वारा हम टेन का मान निकाल लिए, इस फॉर्मूला के द्वारा हम टेन का मान निकाल लिए, और टेन का मान निकालने के बाद इधर से उलट के लिख दिए। उसी प्रकार से अब कॉस में चलेंगे कि पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा ना सेक ए कर लीजिए, सेक क्योंकि ए की चर्चा है, सेक ए बराबर होता है वन बटा कॉस ए, यानी कि कॉस ए का उल्टा क्या होगा वन बट्टा कॉस ए, जैसे एक्स का उल्टा क्या होगा वन बट्टा एक्स ए, उसी प्रकार से ये किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है। तो हमको सेक में देखेंगे कॉस का तो मान निकाल लिए हैं, कॉस का मान निकाल लिए हैं, तो इसका हम उल्टा सब कर लें, क्या कर लेंगे उल्टा कर लें, किसका कर लेंगे उल्टा कॉस का, क्योंकि सेक ए बराबर वन बट्टे कॉस ए होता है। तो कॉस ए क्या हो गया यहाँ पर, कॉस का उल्टा हो गया वन बाई कॉस ए, माने सेक ए का मान हम जो कॉस में से उल्टा करके लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक का उल्टा तो एक ही होगा वही होगा, इसको उलट लीजिए फिर तो क्या हो जाएगा, टू ऊपर चल जाएगा रूट थ्री नीचे चला आएगा। फिर इसको देखिए रूट टू बाई वन होगा, रूट टू बाई वन तो वन तो वही हो जाएगा, रूट टू ही हो जाएगा। फिर देखिए टू बाई वन तो टू ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा इसका उल्टा क्या हो जाएगा वन बाई जीरो, तो ये हो जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव अपरिभाषित, ये भी हो गया। जब सेक का मान मालूम हो जाता है तो फिर ये एरो के द्वारा दिखाया गया इधर से ऐसे करके मान को रख देता है, तो ये हो गया अपरिभाषित अनंत जिसको बोलते हैं, टू हो गया रूट टू हो गया, फिर क्या होगा टू बाई रूट थ्री हो गया, उसके बाद हो गया वन। इस प्रकार से ये मान सारा कंप्लीट हुआ। अगर इसको बार बार देखते हैं, केवल दो फॉर्मूला के द्वारा देखा जा गया है कि ये टैन थीटा और सेक थीटा जान लेते हैं तो हम इसको आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सवाल बनाएंगे
तो आपको यह याद होने लगेगा और दिमाग में सेट होने लगेगा। तो आप फिर हम चाहें कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।